नमाज शुरू करने से पहले ये चीजें जरूरी हैं। इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। पहला, बदन का पाक होना जरूरी है। अगर बदन में नापाकी है तो उसके लिए आपको गुस्ल करना जरूरी है। दूसरा, बदन के कपड़े पाक हो। कुछ औरतें बच्चों के पेशाब पखाना की वजह से कपड़ों की नापाकी का बहाना करके नमाज को छोड़ बैठती हैं। यह मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। नमाज के लिए दूसरा कपड़ा रखना चाहिए और नमाज पढ़ते वक्त पाक कपड़े बदल कर नमाज पढ़ना। तीसरा, जिस जगह या जिस कपड़े पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह या कपड़ा पाक होना चाहिए। चौथा, सारा बदन कपड़े से छुपा हो, सिर्फ चेहरा, पहुँचे तक हाथ और टखने तक पांव खुले रखने की इजाजत है, लेकिन एहतियात इसमें है कि चेहरे के सिवा हाथ पांव भी नमाज की हालत में छिपा रहे। कपड़ा इतना बारीक ना हो कि अंदर से बदन का कोई हिस्सा या सर के बालों का कोई हिस्सा झलकता हो। ऐसे कपड़े में आपकी नमाज नहीं होगी।